गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। उम्मीद करते हैं कि आप लोग सभी अच्छे होंगे। जैसे कि आप लोग जानते हैं, मेरे चैनल में हर दिन स्टेप बाय स्टेप कंप्यूटर सिखाया जा रहा है, और मैंने पिछले कई दिनों से वीडियो अपलोड कर रहा हूं, जिसमें से मैंने पार्ट 8 तक ऑलरेडी मैंने अपलोड कर चुका हूं। जो भी मेरे इस वीडियो को नहीं देखे होंगे, पिछले वाले वीडियो, वो जरूर देख सकते हैं, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, क्योंकि मैं यहाँ आप लोगों को एडवांस कंप्यूटर कोर्सेज सिखाने वाला हूँ, और स्टेप बाय स्टेप हम लोग सीखेंगे कंप्यूटर को। पिछले वीडियो में हम लोगों ने कंप्यूटर के फंडामेंटल नॉलेज के बारे में पढ़ रहे थे, और उसमें हम लोग जान चुके हैं कि कंप्यूटर क्या होते हैं, कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर क्या होते हैं, कंप्यूटर के मेमोरी क्या होते हैं, मेमोरी के पार्ट्स क्या क्या होते हैं, रैम और रोम में डिफरेंस क्या है, ये सारे चीज़ हम लोग ऑलरेडी पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। आज हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं वो है इनपुट डिवाइस प्रोसेसिंग एंड आउटपुट डिवाइस। ये इनपुट डिवाइस क्या होते हैं, आइए जानते हैं। इनपुट मतलब जो हम लोग कंप्यूटर को देते हैं। प्रोसेसिंग मतलब जो सोचता है। जैसे हम लोग कुछ भी काम जब हम लोगों को कोई देता है, तो हम लोग सबसे पहले उसके बारे में सोचते हैं। जैसे अगर आपको कोई कहा कि 50+50 कितना होगा, तो आप तुरंत आंसर नहीं देते हो, क्या होते हैं कि आपके ब्रेन में चला जाता है, और ब्रेन आपको सोचने में मदद करता है। सेम एज इट इज कंप्यूटर में भी ये सोचने का काम सीपीयू करता है। सीपीयू पहले उसको सोचता है, प्रोसेसिंग करता है, उसके बाद वो आउटपुट भेजता है। तो मीन्स क्या हुआ कि इनपुट डिवाइस में हम जो कंप्यूटर को देते हैं, प्रोसेसिंग करता है, उसके बाद आपको आउटपुट देता है, मीन्स रिजल्ट देता है। जैसे अगर हम यहां पर लिखते हैं 2+2, ये क्या हो गया, इनपुट हो गया। इसके बाद कंप्यूटर सोचेगा, सोचने के बाद आंसर देगा क्या, 4। सो दिस इज इनपुट, दिस इज कॉल्ड इनपुट, इनपुट डिवाइस, एंड दिस इज कॉल्ड प्रोसेसिंग। ये प्रोसेसिंग किया। नेक्स्ट ये 4 जो है वो क्या हुआ, आउटपुट हुआ। तो कहने का मतलब है कि इनपुट डिवाइस में कौन कौन आ गए, आ गए कीबोर्ड, माउस, ये सारे इनपुट डिवाइस है, क्योंकि हम लोग कंप्यूटर को देने का काम किससे करते हैं, कीबोर्ड से, माउस से। नेक्स्ट आ गया प्रोसेसिंग, सोचने का काम कौन करता है, सीपीयू करता है, क्योंकि ये हम लोग पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं, सीपीयू इज द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, ठीक है। नेक्स्ट आउटपुट, आउटपुट में क्या होते हैं, रिजल्ट कहां शो करता है, मॉनिटर और प्रिंटर, मॉनिटर में आता है और प्रिंटर से प्रिंट होकर निकल जाते हैं। आप लोग बहुत कोई सोचते होंगे इनपुट डिवाइस में क्या क्या आते हैं, सोच में पड़ जाते हैं, कंफ्यूजन हो जाते हैं। कंफ्यूजन होने का बात नहीं है, इनपुट मतलब जो हम देते हैं, प्रोसेसिंग जो सोचने में मदद करता है, आउटपुट जो हम लोगों को निकलता है, ये सारे हो गया इनपुट, प्रोसेसिंग और आउटपुट। अगर मेरे वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा है, तो आप लोग इसको सब्सक्राइब करने मत भूलिए, चैनल को शेयर और लाइक और कमेंट जरूर कीजिए। आप लोगों को हर दिन स्टेप बाय स्टेप सिखाएंगे कंप्यूटर को, और आप लोगों को नॉलेज भी बढ़ेगा इससे। सो आज के लिए क्लास इतना ही। जय हिंद।